नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का तृतीय चरण आज से। टीकाकरण से ड्रॉप आउट एवं लेफ्ट आउट रहे बच्चे व गर्भवती महिलाओं को लगाए जाएंगे टीके। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार, सिरोही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का तृतीय चरण 9 अक्टूबर सोमवार से चालू होगा। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान में टीकाकरण से ड्रॉप आउट एवं लेफ्ट आउट रहे बच्चे व गर्भवती महिलाओं को संबंधित टीके निःशुल्क लगाए जाएंगे। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का तृतीय चरण 9 अक्टूबर 2023 को संचालित कर सूचीबद्ध लाभार्थियों को संबंधित टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया, अभियान के तहत दूरस्थ गांव ढाणियां, सघन कच्ची बस्तियों में टीकों से छूट रहे वह वंचित बच्चे व गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर ली गई है एवं तैयार क्षेत्रवार माइक्रो प्लान के अनुसार टीके लगाए जाएंगे। अभियान में महिला बाल विकास विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। नो सुनो, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटा बच्चा जिसका कोई टीका छूट गया है, उसे टीका केंद्र है नाना और उनका है टीकाकरण करवाना। सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है। सुनो 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 सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है। टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, एएनएम दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।